बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम एवरीवन। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। हम भी खैरियत से, शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह। आज का जो ब्लॉग है स्टार्ट कर रहे हैं नाश्ते से। मैं और टीपू नाश्ता कर रहे हैं। ये 10:30 का टाइम है। टीपू के बाबा तो ऑफिस चले जाते हैं 8 बजे, तो फिर हम लेट उठते हैं, 10:30 उठते हैं। टीपू और मैं नाश्ता करते हैं। ये देखिए, टीपू नाश्ता कर रहा था और साथ मैं भी बैठ के नाश्ता कर रही थी। टीपू क्योंकि अंडा लेता है और साथ ही पराठा लेता है। उसके बाद मैंने इसको शावर करवाया है। शावर करवाने के बाद ये आराम से खेल रहा था, तो दूसरी तरफ से मैं वो तमाम चीज़ें निकाल रही थी जो मेरे भाई मेरे लिए पाकिस्तान से शॉपिंग करके लाए थे। तो मैंने कहा आज आप लोगों के साथ मैं शॉपिंग शेयर करती हूँ, क्योंकि मैंने आज लंच तैयार नहीं करना था। टीपू के बाबा आएंगे तो खाना हम खाएँगे, वो बहर से लेके आएंगे आज खाना, लंच बहर से लेके आएंगे। लंच करने के बाद फिर मैं आप लोगों के साथ अपने पाकिस्तान की जो शॉपिंग है वो आप लोगों के साथ, तमाम सूट जो मेरे हैं, टीपू के हैं और टीपू के बाबा के हैं, वो मैं आप लोगों के साथ शेयर करूंगी। इसके बाद ये देखें, हम अब लंच कर रहे हैं। टीपू के बाबा बिरयानी लाए थे और साथ ही चिकन कोरमा लाए थे और सब ये। उसके बाद मैं आप लोगों को अपने ये गिफ्ट जो है वो आपको दिखा रही हूँ। उस ना हमने लंच किया था, उसके बाद रेस्ट किया, उसके बाद मैं आपको अपनी ये तमाम शॉपिंग दिखा रही हूँ जो मेरे भाई लेके आए। ये देखें, ये लेडोना शिफॉन का सूट है। ये 2 पीस है जो हमारे गाँव में बनते हैं, हाथ की कढ़ाई का काम है। ये शर्ट है और इसके साथ ये दुपट्टा है और इसके साथ लेगिंग और ट्राउज़र मैं लूँगी। ये देखिए, ये भी शर्ट है पिंक कलर की और इसके साथ जो ग्रीन नज़र आ रही है वो भी शर्ट है। ये मैंने, ये हमारे गांव में बनते हैं हाथ से कढ़ाई के और ये बहुत ही खूबसूरत लगती हैं शर्टें। और इनके साथ वाइट ट्राउज़र लेके तो मैं इनको सिलवाऊँगी, स्टिचिंग इनकी करवाऊँगी। बहुत ही खूबसूरत शॉपिंग इन्होंने किया, बहुत ही खूबसूरत ये गिफ्ट हमारे लिए लेके आए हैं। तो आज मैंने कहा आप लोगों के साथ अपने ये गिफ्ट शेयर करती हूँ। ये मैंने, ये एक सूट था, ये 2 पीस सूट है, ये वर्दा का है सूट। ये इसका दुपट्टा भी शिफॉन का था, शर्ट पे इस पर कढ़ाई थी। ये पोस्टर मैं आपको दिखाती हूँ, इसी स्टाइल में है ये सूट। बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही खूबसूरत कलर है और डिज़ाइनिंग भी इसकी बहुत ही खूबसूरत है। ये देखिए, वेस्टकोट है टीपू की और साथ ही इसका सूट था, टीपू का बोस्की का सूट था और साथ ही ये इसकी वेस्टकोट थी। और 2 सूट टीपू के बाबा के थे और ये भी ग्रीन कलर में है और ये लेडोनस शिफॉन में है। 3 यानी कि लॉन की कढ़ाई की हुई शर्टें थी। लेडोनस शिफॉन के 2 सूट थे और वर्दा के 3 सूट थे, गुल अहमद के 2 सूट थे। ये ब्लैक जो है ना, ये गुल अहमद का सूट है और ये भी वर्दा का सूट है जो येलो आपको नज़र आता है आ रहा है। और ये जो ग्रीन है, ये इसका यानी कि रेड कलर का दुपट्टा है, तो ये भी गुल अहमद लॉन में है और इस पर कढ़ाई की हुई है। ये मैंने स्टिचिंग के लिए कहा था तो वो स्टिचिंग करवा के लाए। ये ब्लैक जो है, ये भी वर्दा का है सूट। बहुत ही खूबसूरत डिज़ाइन के सूट थे और मुझे बहुत ही शॉपिंग पसंद आई। ये यानी कि डार्क ब्लू कलर में है और ये है येलो कलर में। ये चुनरी वाला डिज़ाइन है, ये भी गुल अहमद लॉन में था। ये 3 पीस है, ये भी बहुत ही खूबसूरत लगा था। इसका डिज़ाइन भी मुझे बहुत ही खूबसूरत लगा। मुझे ये ब्लैक वाला तो बहुत ही पसंद था और ये भी मुझे दोनों बहुत पसंद थे। ये दोनों ही ब्लैक और ये गुल अहमद लॉन में है और ये वाला भी, इस पर थोड़ी सी कढ़ाई थी, वो सिंपल थे प्रिंटेड यानी कि डिज़ाइन वाले थे, तो एक पे कढ़ाई थी वो भी गुल अहमद लॉन में थी। ये दूसरे जो 4 सूट थे, 3 शर्टें थी, 2 शिफॉन के सूट थे और 2 गुल अहमद के थे। ये देखें, टीपू ने अपने ऊपर पानी गिरा दिया था, फिर उसको मैंने कपड़े चेंज किए थे। थोड़ी सी देर के लिए हमने बहर भी जाना था, तो फिर बहर भी अब हम जाएँगे, इसलिए मैंने इसको दूसरे कपड़े भी चेंज करा दिए हैं। ये देखिए, ये टीपू के बाबा के सूट थे, 2 टीपू के बाबा के भी सूट थे, 2 बेडशीटें थी। बहुत ही अच्छी शॉपिंग करके लाए थे, बहुत ही अच्छे गिफ्ट थे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को हमारी ये गिफ्ट पसंद आए होंगे। जो भी सूट और कलर पसंद आए तो मुझे ज़रूर ही बताइएगा। ये मैं आप सब लोगों को एक दोबारा उनकी लुक दिखा रही हूँ। ये 2 बेडशीटें भी थी और सूट भी बहुत खूबसूरत थे, मुझे बहुत ही पसंद आए। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को भी मेरी ये शॉपिंग पसंद आई होगी। पसंद आए तो ज़रूर ही मुझे बताइएगा। ये ग्रीन, पिंक
और ग्रीन, दूसरा ये ऑफ वाइट कलर में, ये बहुत ही खूबसूरत सूट थे और मुझे बहुत ही ये सूट पसंद आए और उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को भी ये पसंद आए होंगे, तो ज़रूर ही मुझे कमेंट्स करके बताइएगा। उसके बाद मैंने मिल्क शेक बनाया था, मैंने मिल्क शेक मैंगो का मिल्क शेक बनाया था, क्योंकि अक्सर असर के टाइम में मैंगो का मिल्क शेक बनाती हूँ, टीपू और टीपू के बाबा पीते हैं। ये देखिए, ये मैं मिल्क शेक उनके लिए बना रही हूँ। अब उसके बाद ये पियेंगे तो फिर हम थोड़ी देर के लिए बाहर जाएंगे। उम्मीद करती हूँ आप सब लोगों को ये मेरा व्लॉग जरूर पसंद आएगा। अल्लाह ताला हम सबको अपनी हिफ्ज़ो अमान में रखे। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।